सब गाइस कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट लाइफस्टाइल एसएमपी। गाइस इस एसएमपी में मैंने थोड़े से टूल्स भी बना रखे हैं और इस एसएमपी का नाम है लॉल एसएमपी। और गाइस मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि मैं जो इस एसएमपी का पहला रूल तोड़ने वाला हूँ। इस एसएमपी में फिलहाल मैं और कृष्णा खेल रहे हैं और इस एसएमपी का एक रूल तोड़ने वाला हूँ, उसका नाम है इस एसएमपी में जो है क्या बोलते हैं उसे, इस एसएमपी में जो है एक्सरे मोड नहीं चलता और मैं एक्सरे मोड यूज करने वाला हूँ। तो जल्दी से लगाते हैं और उससे मैं 2 स्टैक डायमंड बनाऊंगा कि किसी को अगर पता चले तो थोड़ा रिश्वत विश्वत देनी पड़ेगी, इसलिए यूज कर रही थी। गाइस यहाँ पे मैंने जो है डाल दिया है अपना मोड और थोड़ी भूड लेके चलते हैं नीचे, डायमंड पिकैक्स भी बना लेंगे। ये मैंने तोड़ दी थोड़ी सी वुड, बेचारे विलेजर का घर तोड़ रहा हूँ मैं। तो जल्दी से अपना स्टार्ट करते हैं। क्राफ्टिंग टेबल वैसे मेरे पास तैयार है, पीछे भी तोड़ लिए थे। तो गाइस जल्दी से मैं आपको थोड़ी सी नीचे पहला डायमंड मिलते हैं मिलता हूँ। पूरे 2 स्टैक डायमंड कलेक्ट कर लिए है और इधर एक चेस्ट बुलेट बनाई है। और वही तू यहाँ पे क्या कर रहा है, वैसे तेरा ही घर है, क्या कर रहा है? चोर मुझे पता चल गया कि तूने क्या किया है, क्या किया है? सही यूज किया है ना, मैं देख रहा हूं सब में जाकर ले 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 आधा स्टैक और कुछ भी नहीं। नहीं नहीं बैन मत कर रहा, बैन मत कर। तो गाइस आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कृष्णा को डायमंड क्यों दिए, तो इसकी भी एक वजह है। कृष्णा को सर्वर के कौंसल से पता चल गया था कि मैं एक्सरे मोड यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए उससे रिश्वत देनी पड़ी उसका मुंह बंद करने के लिए कि वो मुझे बैन ना करे, इसलिए मैंने उसको डायमंड दिए। वो भी उसने 1 स्टैक मांगी इस वजह से देने पड़े, वरना वो मुझे बैन भी कर सकता था। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए।